ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मंत्र है विषकन्या का। ये एक ऐसा मोहिनी मंत्र है जिसके प्रभाव से आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा। इसे लगा दिया तो मतलब सामने वाला आपके सामने 100% नतमस्तक होगा। इस मंत्र को बताने की मनाही है, लेकिन फिर भी आप सबके प्यार को देखते हुए इस मंत्र को आज मैं आपके सामने साझा करूंगा। इस मंत्र को एक बार किसी पर कर देने से वो जिंदगी भर बस आपके नाम की माला जपेगा। ये विष की भांति धीरे धीरे अपना असर करता है और एक बार कर देने से सामने वाले को आपके सामने धराशाही कर देता है। ये मंत्र मुझे एक सपेरे से मिला था। उसने मुझे ये मंत्र बहुत ही मशक्कत के बाद दिया था। पूरे दिन मैं उसके साथ रहा, उसे मंत्र मांगता रहा, लेकिन फिर भी उसने मुझे शाम में जाकर ये मंत्र दिया। मंत्र इतना चमत्कारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस मंत्र से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। यदि एक बार भी इसको चला दिया जाए तो जो भी साध्य है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये जो है ये वही मंत्र है जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर देगा। ये मंत्र है नागराज का, वही नागराज जो कि पाताल में रहते हैं। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है? सबसे अच्छी बात होगी वसंत पंचमी पर आप इस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके उतना जाप करें। एक एकांत स्थान ढूंढे, कोई गुफा ढूंढे, नदी तट ढूंढे या फिर कोई जंगल हो, एकांत होना चाहिए, आसपास कोई भी ना हो, बस आप अकेले हों और इस मंत्र का गुंफन चारों ओर हो रहा हो, बस ऐसा कीजिए तो ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप अकेले हों, आपके आसपास कोई ना हो और इसका गुंफन करते रहें। सुबह से लेकर शाम तक आपको वसंत पंचमी में इस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे जैसे आप उच्चारण करते जाएंगे तो आपके समीप आपके पास नाग देवता भी प्रकट हो सकते हैं। ये हर एक के साथ नहीं होगा, लेकिन आपके पास वो संभवतः प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपका मंत्र सिद्ध होगा और या फिर कोई भी ऐसी अड़चन आ रही होगी तो वो आकर आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये हुआ है और आपको ये उपाय करना होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो भी वो सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन यदि कुछ चांसेस होते हैं कि वो नाग देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो उनके लिए आपको कुछ मिष्ठान, कुछ दूध या फिर जो भी आप उनको अर्पित कर सकें वो पहले से ही आपको अपने पास रखना है, ताकि जब वो आपके सामने आए तो आप अपनी कोई भी मंशा उनके सामने रख सकते हैं और अपनी कोई भी भेंट उन्हें दे सकते हैं। ऐसा करने से उसी क्षण आपका जो मनोरथ है वो फलित हो जाएगा, आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मंत्र है जो कि आपकी जितनी भी कामनाएं हैं उनको पूरा कर सकता है। आपको ये वसंत पंचमी पे 1,00,000 या फिर उससे भी ज़्यादा यथासंभव जितना हो उसके उतना इसका जाप कर लेना है, और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसी विचित्र सम्मोहन शक्ति आ जाएगी जो कि किसी को भी देखते ही साथ वश में कर लेगी। यदि आपने एक नज़र किसी को देख लिया तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। यदि कहीं किसी स्टेज पर आप चले गए और आप वहाँ पर कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं, तो लोग अपनी जगह पर बैठे बैठे बस उसको सुनते ही रहेंगे। एक इस तरह का दिव्य तेज आपके अंदर आ जाएगा कि जो भी आपके संपर्क में आएगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। ये सम्मोहन कलाओं में आता है जो कि बहुत प्राचीन है। आजकल के युग में इन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है,
लेकिन फिर भी जो भी चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सम्मोहन विद्या चाहिए तो वो नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि नाग देवता आपको दर्शन देते हैं तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस तरह की सिद्धियां वो आपको प्रदान कर सकते हैं। वो एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि इंसानी दिमाग के भीतर आ भी नहीं सकती, उनको वर्णित नहीं किया जा सकता, अलौकिक है सब कुछ। तो पाताल लोक की कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि आपको पानी पर चलना भी सिखा सकती हैं, पानी में रहना सिखा सकती हैं, आप भ्रमण करके आ सकते हैं पानी में, और समुंदर में आप अंदर तक जा सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी मोटी सिद्धियाँ हैं जो नाग देवता आपको दे सकते हैं। लेकिन जो इसका जो मोटिव है मंत्र को आपको बताने का, वो है सम्मोहन का। ये एक ऐसा मोहिनी मंत्र है जो कि किसी को भी आपके अनुकूल कर देगा। अब जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 41 दिन तक आपको सोमवार से ये मंत्र शुरू करना है, और यथासंभव जितना हो सके त्रिकाल संध्या इसकी एक या दो माला आपको जाप करनी है, त्रिकाल संध्या, और एक दिन भी नागा ना करें और इस मंत्र को जपते जाएं। जितना अधिक आप जपेंगे उतना ही ये और अधिक प्रभावी होता रहेगा। अब साधना में जो चीज़ें आपको देखनी है वो ये हैं। ये जो 41 दिनों की साधना है इसमें आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है। सुबह सुबह आपको नहा धोकर नए वस्त्र पहनने हैं, जो कि अगर नए वस्त्र ना हो तो जो धुले हुए वस्त्र होते हैं वो पहनिए, और अपना जो पूरा ये जो 41 दिनों का समय है इसको प्रभु भक्ति में लगाइए। आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, कोई भी ऐसा मादक पदार्थ ग्रहण नहीं करना है जिससे कि आपकी साधना भंग हो जाए। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब एक साधक के लिए अभिशाप हैं, तो इन सब से दूर रहिएगा। बिल्कुल सादा जीवन जिए इन 41 डेज में, और आप पाएंगे कि आपकी जो ये साधना है कि बहुत जल्दी फलित हो जाएगी। आपको एक हफ्ते के भीतर ही कुछ कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा जो कि अलौकिक होगा, इस दुनिया से परे होगा। स्वयं नागराज आपके सपने में आएंगे और आपको इसकी पूरी दीक्षा देके जाएंगे कि किस तरह से साधना को पूरा करना है, या कुछ ऐसे संकेत आपको मिलेंगे, एक आकाशवाणी होगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जहाँ पर शिष्य जो है वो अपना पूरा बलिदान देता है वहाँ पर गुरु प्रकट हो जाते हैं। तो इस साधना को कीजिए और अपने भीतर एक ऐसा तेज, एक ऐसा आकर्षण ले आइए जो कि सबको मोहित कर दे, और ये सब संभव है इस नाग मंत्र से। इस नाग मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाते हैं। तो एक बार मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ, अगर आप कहीं त्रुटि कर रहे हो तो एक बार इसको देख लेना। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात। ये पहला मंत्र है। यदि ये मंत्र आपको सरल लगे तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इससे नाग देवता आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इच्छित फल प्रदान करेंगे। इनसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां भी ले सकते हैं। यदि आपका मनोरथ कुछ और है, आपको मोहिनी नहीं चाहिए, तो आप इनसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां ले सकते हैं जो कि आपको पानी पर चलना सिखा सकती हैं, पानी के भीतर रहना सिखा सकती हैं, और नाना प्रकार की इनके पास सिद्धियां होती हैं, तो आप ये भी इनसे मांग सकते हैं। दूसरा है सर्वे नागा प्रियंतः मे ये केचितः पृथ्वी तले ये च हेली मरी चिस्था ये तरे दिवि संस्थिता। इस मंत्र को भी बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया उसी भली प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद
आपको जो है जो भी सिद्धियां चाहिए वो ले सकते हैं, या फिर आकर्षण तो आपके पास आ ही जाएगा। यदि आप इसको 41 दिनों तक इस साधना को कर लेते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी कांति, एक ऐसा लावण्य आ जाएगा जो कि इस धरा पर शायद ही किसी के पास हो। और इस साधना को बिल्कुल सात्विक रह के कीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जाइएगा searchstops.com। यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रही है यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप सीधे वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको इसका मंत्र मिलेगा और इसकी सावधानियाँ भी सारी कुछ लिखित में मिलेंगी। और मैं कामना करता हूँ कि आप इसको बहुत जल्दी अपने जीवन में लाएं और इस साधना को करें, और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। धन्यवाद।